और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के शोलापुर से। ये बड़ी खबर है, एक ट्रेन में आग लगने की खबर मिली है। हालांकि अच्छी और राहत की खबर यही है कि कोई भी हताहत नहीं हुआ है। महाराष्ट्र में शोलापुर में ट्रेन में आग लगी है, आग की बड़ी बड़ी लपटें उठती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन राहत की बात यह है कि सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है इस ट्रेन से। ये तस्वीरें आप देखिए, बोगी में आग लगी हुई है, खिड़की से बाहर आग की लपटें आ रही है, यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये बड़ी राहत की खबर यहां से मिल रही है। तो महाराष्ट्र शोलापुर में ट्रेन में आग लगी है, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन आग बेहद भीषण है। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं, आग को बुझाने का काम चल रहा है। जी न्यूज संवाददाता साकेत ज्यादा ब्रेट के साथ जुड़ रहे हैं। साकेत, अपडेट बताइए, कौन सी ये ट्रेन थी और ये किस तरीके से आग लगी, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज दोपहर 3 बजे के करीब जिस तरह से रेलवे की तरफ से हमें सूचना दी गई है कि दोपहर 3 बजे के करीब आग लगने की घटना सामने आई। अष्टी रेलवे यानी कि जो उस तरफ की लोकल ट्रेनें होती हैं, आम परिवहन के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं, उसमें आग लगने की यह घटना सामने आई है। हालांकि रेलवे विभाग की तरफ से अभी तक इस पूरी घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं मिली है, लेकिन जो वहां पर लोग थे उनका कहना है कि जब आग लगी तो उससे कुछ लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई, ट्रेन को सही समय पर रोक दिया गया। लेकिन इस बात की घटना को की गंभीरता को समझने की जरूरत है कि ये कितनी बड़ी है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख पाएंगी, आपको नजर आएगा कि जिस तरह से 5 से 6 कोचेस लगभग जलकर खाक हो चुके हैं। फिलहाल रेलवे की तरफ से कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हाँ कुछ सूत्रों के हवाले से हमें जो बात निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से आग लगी इसकी जाँच की जाएगी, कुछ कमेटी गठित की जाएगी जिसके बाद वो रिपोर्ट सबमिट करेगी।